नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिना जन्म पत्री के केवल जीवन में घटी घटनाओं के आधार पर आप कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में शनि का प्रभाव अच्छा है या बुरा है। मित्रों, जो व्यक्ति पैर घिसट घिसट कर चलता है और जिस व्यक्ति को थोड़े से काम को बहुत देर में करने की आदत बन गई है, काम है एक घंटे का उसको करना है पूरे दिन में, काम है एक दिन का उसको करना है पूरे सप्ताह में, यदि किसी व्यक्ति का नेचर इस तरह का होता जा रहा है तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं शनि की कुदृष्टि उसके जीवन पर पड़ रही है। मित्रों, आज की वीडियो में शनि से जुड़े हुए और बहुत सारे रहस्य मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ शनि के कुछ सटीक उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए और राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी काम को बहुत देर में करने की आदत हो गई है, आलसी होता जा रहा है, चिड़चिड़ा स्वभाव उस व्यक्ति का होता जा रहा है, लगातार बिजली वाले यंत्र खराब होते हैं, तो शनि कुपित है। नंबर दो, यदि किसी व्यक्ति को लगातार न्यूरो प्रॉब्लम है, नस संबंधी समस्याएं परेशान कर रही हैं और बहुत सारी दवाई करने के बाद, बहुत सारे उपाय करने के बाद भी वह ठीक नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि ऐसे व्यक्ति के लग्न पर या लग्नेश पर पड़ती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को वायु विकार है, गठिया बाय है या किसी भी तरह का शरीर में वायु विकार है और बहुत लंबे समय तक है, क्योंकि शनि जो भी करते हैं वह लंबे समय तक करते हैं, शनि को मंद गति वाला ग्रह माना गया है, शनि देव जो हैं वो 2.5 साल में एक राशि को पार करते हैं, एक राशि का भ्रमण समय शनिदेव का 2.5 साल का है, तो यदि किसी को लंबे समय तक न्यूरो प्रॉब्लम है, वायु विकार है, इस तरह की समस्याएं हैं, तो निश्चित रूप से आपको शनि संबंधित उपाय करने की आवश्यकता है। मित्रों, जन्म कुंडली में जब शनिदेव सातवें घर के स्वामी हों, मार्केश हों और उनकी महादशा और अंतरदशा आ जाए तो व्यक्ति के नाक में दम हो जाता है। यदि व्यापार में आपका 20, 30, 50 लाख रुपया एकदम से फंस गया है और आपको उस पैसे के वापस आने का भी कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप अनेक प्रयास कर चुके, व्यावहारिक स्तर पर पूजा पाठ आप करा चुके, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपको अपने हाथ के जो शनि क्षेत्र है वहाँ पर अपनी भाग्य रेखा पर गंभीरता से अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि के कुपित होने पर ही ऐसी अवस्थाएं व्यक्ति के जीवन में होती हैं। मित्रों, शनि की जो दृष्टि है वह डिजास्टर है, विध्वंसक है, आप जानते ही हैं, और हमारे शास्त्रों में कहावत है कि शनि की दृष्टि से भगवान शिव और रावण तक भी नहीं बच पाए थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ शनि के बहुत सरल घरेलू और फ्री के उपाय। यदि आपको लगता है कि शनि देव आपको पीड़ा पहुँचा रहे हैं, तो मित्रों निश्चित रूप से आपको घोड़े की नाल का छल्ला पूरे विधि विधान से सही मुहूर्त में बनवाकर धारण करना चाहिए। घोड़े के पैर में जो लोहा लगा हुआ होता है उसे बोलते हैं घोड़े की नाल, वह निकलवा करके खरीद करके उसको, और शनिवार के दिन आप लोहे का छल्ला बनवाएं और सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करके उसका अभिषेक आदि करके विधि विधान से धारण करें, तो निश्चित रूप से शनि जनित पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। मित्रों, नाव की कील का छल्ला बनवा करके यदि आप धारण करेंगे तो वह भी आपके लिए शुभ रहेगा। शनि की शांति के लिए आप शनिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक कुत्तों को तेल के पराठे, ब्रेड या बिस्किट खिलाएं, यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। शनि जनित पीड़ा होने पर आप शनि का प्रिय रत्न नीलम धारण करके भी उस पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, यदि आपको लगता है कि शनि आपको अत्यधिक पीड़ित कर रहे हैं, तो मैं हमेशा ही बताता हूँ किसी भी ग्रह के अधिष्ठात्री देवता होते हैं, शनि देव के अधिष्ठात्री देवता हैं भैरव जी महाराज, तो शनिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक आपको मंत्र जपना है ओम बम बटुकाय नमः, और भैरव जी के मंदिर में तेल का दिया आप जलाएं और बम बटुकाय नमः का अधिक से अधिक मंत्र जपें, तो यह भी आपके लिए शुभ रहेगा।
तिल से बने हुए भोजन, काले तिल से बने हुए लड्डू वगैरह कुछ शनिदेव को भोग लगा करके वितरित करें तो निश्चित रूप से आपको शनि जनित पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, यह थे शनिदेव से संबंधित छोटी छोटी कुछ काम की बातें। कामना करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।